साथियों आज मैं बात करने वाला हूं तीन ऐसे व्यापार ऐसे बिजनेसिस के बारे में जिनमें शुरू करने में या जिनको करने में आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम होती है लगभग ज़ीरो होती है वैसे तो ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जिनमें बिना पैसा लगाए या बहुत कम पूंजी लगा करके व्यापार किया जा सकता है लेकिन तीन ऐसे व्यापार जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा सबसे पहली चीज़ तो अभी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कंसल्टेंट रख रखने लगी हैं पहले एम्प्लॉयज से जो काम कराया जाता था वो कंसल्टेंट रख कर के काम कराया जाता है और हर कंपनी को चाहे किसी भी तरह का बिजनेस करते हो ट्रेडिंग में हो रिटेलिंग में हो मैनुफैक्चरिंग में हो और सर्विस इंडस्ट्री में भी हो उसमें भी कंसल्टेंट रखे जाने लगे हैं और उन कंसल्टेंट का काम क्या होता है वो उन्हें उनके बिजनेस के बारे में उन बिजनेस की बारीकियों के बारे में जो चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के बारे में उनको गाइड करने का काम करते हैं इन कंसल्टेंट के लिए वैसे तो ये सर्विस इंडस्ट्री है लेकिन कंसल्टेंट के लिए कई बार इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आती है कि वो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट को लॉन्च करने में उनकी मदद कर सकते हैं कंपनी के लिए कुछ पार्ट्स या कुछ प्रोडक्ट बाहर से लाने में उसमें उनको गाइड कर सकते हैं तो एक कंसल्टेंट का रोल हर तरह से मतलब बिजनेस की ग्रोथ को लेकर के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के मनी मैनेजमेंट को लेकर के एच से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड या जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड लॉज है उनसे रिलेटेड किसी भी लेवल पर जहां भी कंपनी को कोई जरूरत होती है वहां कंसल्टेंट रखे जाते हैं और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई डिग्री की या कोई पर्टिकुलर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है कोई भी व्यक्ति बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है इंडस्ट्री कंसल्टेंट बन सकता है बस उसे उस इंडस्ट्री या उस बिजनेस की जानकारी हो बारीकियां पता हो और बारीकियां या जानकारी जानना आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है सोशल मीडिया पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अगर आप रिसर्च करते हैं गूगल पर सर्च करते हैं आप इंडस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आपको पता चल पाएगा रॉ मेटेरियल कहाँ से आता है क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय पर इंडस्ट्री में जो रिसेशन चल रहा है उस रिसेशन को कैसे दूर किया जा सकता है वो व्यक्ति या वो इंडस्ट्री या वो पर्टिकुलर बिजनेस जो घाटे में चल रहा है उसको कैसे फायदे में लाया जाए दूसरा कैटेगरी के, के बिजनेस जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है या पैसा बहुत कम लगा करके आप तरक्की कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस है ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है यूट्यूब पर वीडियोज बना करके आप ब्लॉगर बन करके या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन करके भी आप काम कर सकते हैं उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं साथ ही साथ आप दूसरी कंपनी या प्रोडक्ट के कंपनी की सर्विसेज या प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जो पुरानी कंपनियां हैं या पुराने प्रोडक्ट्स हैं या जिन कंपनियों को ऑलरेडी मार्केट में वो स्टेब्लिश है लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन करने में समर्थ नहीं है उन्हें आइडिया ही नहीं है किस तरह से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है किस तरह से उसकी पोजिशनिंग करनी है कौन सा निष्ठ मार्केट होना चाहिए कहाँ मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा प्रोडक्ट या सर्विस uh, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर लेकर के आ जाता है और मेरी प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन uh, में सेल uh, कम हो जाती है या ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है तो उस परिस्थिति या उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों को अगर आप रेगुलरली गाइड करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से गाइड करते हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से गाइड करते हैं या आप ऑफलाइन भी गाइडेंस देते हैं तो काफ़ी लोग आपको हायर uh, कर सकते हैं या आपका बिजनेस स्टेब्लिश हो सकता है आजकल जितने भी पुराने बिजनेस हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो सोशल मीडिया पर आना पसंद कर रहे हैं अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारी पुरानी कंपनियों की आप अगर लोगो देखें डिजाइनिंग देखें प्रमोशन देखें कैंपेन देखें वो आउटडेटेड है अगर आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस देखते हैं या प्रमोशन एक्टिविटीज़ देखते हैं लोगो देखते हैं और आपको लगता है उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर आप उन्हें सजेशन दे पाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी एक और जो अभी लेटेस्ट में इंडस्ट्री चल रही है एआई का ज़माना अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है तो इसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को जानकारी है अगर आप पाइनियर बनना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप पहले बने और लोग आपके साथ जुड़ करके और आपकी नॉलेज को लेकर के आपको पैसा देने के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो ये राइट right टाइम है ए के बारे में जानने का और मैंने बार बार कहा है कि अगर आपने समय के साथ अपने आपको अपडेट अप्डे, अपडेट नहीं किया अपग्रेड नहीं किया है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो नया कंपटीशन आने वाला है नए लोग आने वाले हैं वे सब चीज़ें जानते होंगे आपके लिए अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाना अपने आप को सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है तो ये कुछ इस तरह के लेटेस्ट बिजनेस है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है रिटर्न ज़्यादा है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और आने वाले समय में जो ग्रोथ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री में होगा वो डेफिनेटली बाकी इंडस्ट्री से या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री या बिजनेस से काफी ज़्यादा होने वाला है